तो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, ऑल व्यूवर्स, सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। और फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू विश यू हैप्पी धनतेरस। माँ लक्ष्मी, कुबेर जी सब आए आपके घर पे जब आप सोए हुए हो, तो एक सेपरेट रूम में, और वो एक ढेर लगा जाए, है ना, पैसों का, ताकि दौड़ना ना पड़े आपको जिंदगी में। तो मैं चाहूंगी, विश करना चाहूंगी आपको कि आपकी दिवाली बहुत ही खुशहाल हो, अच्छे तरीके से सेलिब्रेट हो। फायर क्रैकर्स का कम से कम यूज करिएगा, ये बॉम्ब वॉम्ब कुछ नहीं होते, है ना। बस क्या है, पैसों का उड़ाना और अपने एनवायरनमेंट को हार्म करना, जो कि हम ज्योग्राफी से रिलेटेड हैं और ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी जलाना ही मत। घर वालों के साथ खुशियों से मनाओ। जो मार्केट में बूढ़े लोग बैठे हैं, दिए बेच रहे हैं, उनसे दिए लो और वो जलाओ पूरे घर पे, सबके साथ मिलके उनको रखो छत पे, इनका मजा ही कुछ हो रहा है ना। तो इससे कोई एनवायरनमेंट भी हार्म नहीं होता। तो चलिए इसी के साथ अब आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। अब एक चीज सबको नोटिस हुई होगी, आज क्या है, फेस्टिवल, और आज भी मैं आपके सामने हूँ, तो इसका मतलब कंटिन्यूअसली हम रहेंगे अब एक दूसरे के साथ। लेकिन एक शर्त है, आप लोगों को साथ देना पड़ेगा, आप लोगों को वीडियो शेयर करनी पड़ेगी, आप लोगों को बताना पड़ेगा कि हाँ, यहाँ भी एक प्लेटफॉर्म है जो सारे कंफ्यूजन्स दूर करता है हमारा। चलिए शुरू करते हैं हम हमारा आज का टॉपिक। जैसा कि हमने देखा था, पेरेंसुलर ब्लॉक हमने देख लिया था, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन के बेस पे इसको डिवाइड किया गया था, जियोलॉजिकल डिविजन्स को थ्री टाइप्स में। पेनिनसुलर ब्लॉक था, और एक हिमालयाज और पेनिनसुलर माउंटेन्स है, और थर्ड था इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो हमने पेनिनसुलर ब्लॉक देख लिया था कि वो कहाँ से शुरू होता है। देखिए, कच्छ की खाड़ी से शुरू होता है, अरावली हिल्स होता है, तो दिल्ली के पास से आता हुआ राजमहल हिल्स से नीचे आ जाता है। मतलब ये जो ब्लॉक बन रहा है, ये जो ब्लॉक बन रहा है, ये किसका है, पेनिनसुलर ब्लॉक है। तो ये हमने पढ़ लिया था कहाँ से कहाँ तक आता है, राजमहल हिल्स जो यहाँ है यहाँ तक आता है। और एक चीज और, मालदा गैप के बारे में भी हमने पढ़ा था, वो क्या था आप मुझे कमेंट में बताएंगे। पीछे वाले वीडियो जिसने देखे हैं वो तो बता पाएंगे, और जिसने नहीं देखी है वो तो कैसे बताएंगे। और ये भी बताना है कि ये कहाँ है, किसको सेपरेट करता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ बच्चे, अच्छे स्टूडेंट्स, जो ऑनली पढ़ने के पर्पस से चैनल पे हैं, वो मस्ट इसका कमेंट करेंगे। और मैं एक चीज़ और डिक्लेयर कर देना चाहती हूँ यहाँ पे, कि अपना जो फर्स्ट ग्रेड है, कि तैयारी कभी खत्म नहीं होती। हालांकि पेपर हो चुका है फर्स्ट ग्रेड का, लेकिन अगर आपने ये सोच के आप रुक गए हो कि पेपर हो गया है अब अपन को नहीं पढ़ना है, तो यही एक विद्यार्थी की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। आप लोग कंटिन्यूअसली चलते चलो, है ना, वो नहीं कह रही चलते बनो, चलते चलो हमारे साथ, हम फर्स्ट ग्रेड का। और मैं ये वादा तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं कह रही हूँ, अश्योर करवा सकती हूँ आपको कि ये जो बुक्स हम पढ़ेंगे, अभी 11th शुरू करा है हमने, और जल्दी 12th का भी शुरू कर दूंगी, कि ताकि 12th के जो बच्चे हैं उनके लिए भी वो बेनिफिशियल रहे। तो ये हमारा था पेनिनसुलर ब्लॉक, कहाँ से कहाँ तक आया, कब कैम्ब्रियन पीरियड में शुरू हो गया था बन गया था। तो ये चीजें हमने पढ़ ली हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अपना, द हिमालयाज एंड पेनिनसुलर माउंटेन्स। अब देखिए, जो हिमालयाज बने हैं और जो अदर पेनिनसुलर माउंटेन्स है, तो ये हमारा अपन ने प्लान दिखाई, ये पेनिनसुलर ब्लॉक था। तो यहाँ के जो माउंटेन्स हैं, यहाँ जो माउंटेन्स हैं वो किसके अंदर आएंगे, पेनिनसुलर माउंटेन्स के अंदर, और हिमालयाज के माउंटेन हिमालयाज के अंदर। तो ये चीज क्लियर हुई होगी आपके, आई होप। अब देखिए कैसे हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जो हिमालय अलोंग विद अदर पेनिनसुलर माउंटेन्स कैसे हैं, यंग है, वीक है, फ्लेक्सिबल है, कैसे इन देयर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, किसमें जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में कैसे हैं वो, यंग है, वीक है, फ्लेक्सिबल है। अब देखिए जियोलॉजिकल, और एक आया था जियोमॉर्फोलॉजी, तो मैंने इनके अंदर आपको डिफरेंट बताया था, क्या डिफरेंट बताया था बताएंगे मुझे, चलिए मैं ही यहाँ क्लियर कर देती हूँ आपको। मैंने बताया था जियोलॉजिकल जो होगा ना, वो इंटीरियर अर्थ में जो एंडोजेनिक फोर्सेस लगती हैं, उन फोर्सेस के साथ जो ऊपर फीचर्स क्रिएट होते हैं,
उसको लेके वो पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, जियोलॉजिकल प्रोसेस कहलाती है। लेकिन जियोमॉर्फोलॉजी का अंदर मैंने आपको बताया था कि जियो पृथ्वी होता है, मॉर्फो उसके रूप का वर्णन जो होता है वो जियोमॉर्फोलॉजी होता है। तो जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर हम कह सकते हैं जो कॉन्टोर्स हैं, जो सरफेस पे फीचर्स बने हैं, वो सारा उनके बारे में स्टडी करना क्या होता है, जियोमॉर्फोलॉजी होता है कि वो कैसे बने हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया कि इनके स्ट्रक्चर कैसे हैं, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसे हैं, इनकी यंग है, वीक है और फ्लेक्सिबल है। अब यंग का मतलब समझिए, अब आप यंग हो, 11th 12th में हो, यंग होने शुरू हो रहे हो और कंटिन्यूअसली आप बढ़ते चलोगे, है ना, रुकना नहीं है आपको। ये नहीं कि आपका एंडिंग स्टेज आ गया, है ना। अब वैसे तो अगर देखें तो आजकल एंडिंग स्टेज सबका होता है, लेकिन छोड़िए उसको। तो यंग जैसे ग्रोइंग अप होते चल रहे हो, वैसे ही माउंटेन्स भी ये कैसे हैं, ग्रो अप होते रहते हैं। फिर आता है वीक। वीक कैसे हैं, कमजोर हैं ये बेचारे, है ना। हालांकि अपन देखते हैं कि माउंटेन्स सोलिड होते हैं, फिर भी इसे वीक क्यों बोला है भाई। वीक इसलिए बोला है कि जैसे बारिश हो रही है, प्रिसिपिटेशन हो रही है यहाँ से, तो यहाँ का ये पार्ट टूट गया, अलग हो गया ना। यहाँ से नदियां बह रही है तो वो अपना रास्ता बना लेती हैं बहती बहती। हवा बह रही है तो भी यहाँ पे वो क्या करती हैं, इरोजन करती हैं, विदरिंग करती हुई चलती हैं। तो इसलिए वो क्या हो गया, वीक हो गया। फ्लेक्सिबल समझिए, मैंने आपको दो फोर्सेस बताए थे कि इन्हीं के कारण अपने फीचर्स बनते हैं। वो दो फोर्सेस थे अपने एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक, ये दो फोर्सेस थे। अब एंडो मतलब अंदर, अंदर जो फोर्सेस लगेंगे जैसे वोल्केनो अर्थक्वेक आ गया, या फिर जो भी माउंटेन बिल्डिंग फोर्सेस हैं वो लगेंगी, तो जिसके कारण क्या होंगे, माउंटेन्स बनेंगे। अब एक्सोजेनिक बाहर से कौन सी फोर्सेस हो गई, डेनुडेशनल फोर्सेस, डेनुडेशनल प्रोसेस। इसके अंदर क्या होता है, विदरिंग आ जाता है, विदरिंग आ जाता है, और क्या आ जाता है, इरोजन आ जाता है। तो ये जो चीजें हैं ये कैसे इरोजन करती हैं, एक्सोजेनिक इरोजन करती हैं। तो आई होप इनके बीच का डिफरेंस क्लियर हुआ होगा आपको, और आप इनको बड़े अच्छे से डिफाइन भी कर सकते हो। बच्चों एक बात मेरी याद रखिएगा कि आप लोग चाहे कितना ही रट लो, लेकिन जब तक ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आपके लिए आप पेपर में लिखने लायक नहीं होंगे। SST और SST के अंदर आने वाले जो सब्जेक्ट्स हैं वो ऐसे चीज है, उनको समझ के आप जो करोगे ना वही आप लिए। आप लोग क्या करते हो, मैथ इजी है, साइंस इजी है, तो आप लोग उस SST को साइड में छोड़ते हो, धुएं उड़ा देती है SST, नंबर ही देती है SST आपको, इसीलिए नहीं देती, क्योंकि आप लोग सोशियो की इसको रट लेंगे तो हो जाए, नहीं रटने से कुछ नहीं होता। SST मांगती है जस्ट राइट, और क्या राइट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, जो भी आपने समझा है वो लिखो। ये नहीं कहता रन, जो क्रैमिंग करा है आपने वो लिखो। तो देखिए यंग वीक और फ्लेक्सिबल है माउंटेन्स, किसके जैसे नहीं है, बिल्कुल अपोजिट किसके हैं, रिजिड एंड स्टेबल। अब ये एक पेनिनसुलर की आप करेक्टरिस्टिक्स बताते कि पेनिनसुलर कैसा है, रिजिड है, कठोर है, हार्ड है, और कैसा है, स्टेबल है, ज्यादा मूवमेंट नहीं होते इसके अंदर। तो ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, पेनिनसुलर की हो गई। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर। देखिए कंसिक्वेंटली दे आर स्टिल सब्जेक्टेड टू द इंटरप्ले एक्सोजेनिक, इसको एक्सो जेनिक लिख लेना भाई, मिस हो जाता है ना, मिस प्रिंट हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, टाइप हो जाता है। एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक फोर्सेस रिजल्टिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड्स फॉल्ट एंड थ्रस्ट मीन्स, क्या बताया कि इसके अंदर कि ये जो फोर्सेस हैं इनके फोर्सेस का रिजल्ट क्या होता है, बताइए। कहीं जहां भी डेवलपमेंट होता है फीचर्स का, इन दो फोर्सेस के कारण होता है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, और इनके कारण क्या बनते हैं, फोल्ड्स बनते हैं, फोल्ड बनते हैं, फोल्ड्स और थ्रस्ट प्लेन बनते हैं। इनके थोड़ा सा मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ ताकि आपके विजुअलाइजेशन हो जाए अच्छे से। तो ये देखिए फोल्ड बन रहे हैं, ठीक है, ऐसे अप्स एंड डाउन हो रहे हैं तो फोल्ड बन रहे हैं, फोल्ड से माउंटेन क्रिएट हो रहे हैं, तो ठीक है, फोल्ड से तो क्या हो रहे हैं, माउंटेन क्रिएट हो रहे हैं। अब देखिए ये तो क्या होता है, एंटीक्लाइन होता है, और ये चीज जो होती है ये क्या होती है, सिंक्लाइन होती है। क्या होती है, सिंक्लाइन, अच्छे से याद भी रखना, सिंक्लाइन, और ये एंटी क्लाइन, तो ये चीज याद रखिएगा, ये सिंक्लाइन और ये सिंक्लाइन और ये एंटीक्लाइन। तो ठीक है, अब आपको फोल्ड्स का दिखाती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। ये जो भी प्रोसेस होती है ये होती है टेक्टोनिक
के कारण, किसके कारण? टेक्टोनिक के कारण, किसकी टेक्टोनिक प्लेट? टेक्टोनिक के कारण। डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट प्लेट, ये सब पढ़ के आए होंगे आप, है ना। उसके अंदर क्या होता है, देखिए कन्वर्ज हो रही है प्लेट, तो कन्वर्ज हो रही है तो क्या क्रिएट हो रहे हैं? देखिए जब ये कन्वर्ज हो रही है तो माउंटेन्स क्रिएट हो रहे हैं, कन्वर्ज हो रही है फॉल्ट क्रिएट हो रहे हैं, हो रहे हैं फॉल्ट, ये नीचे का वाला अप्स एंड डाउन हो गया, ये अप हो गया, ये डाउन हो गया, क्लियर है? अप्स क्लियर हो रहा है। अब देखिए फॉल्ट, डाइवर्जेंट हो रही है तो दरार आ रही है बीच में, फॉल्ट क्रिएट हो जाएंगे, ऐसे रिफ्ट वैलीज जो बनती है वो इसी के कारण बनती है। अब देखिए थ्रस्ट प्लेन, एक थर्ड होती है जो बाउंड्री आती है आपकी प्लेट की, उसमें क्या होता है, देखिए ना तो वो डाइवर्ज होती है, ना तो वो कन्वर्ज होती है, ना ही वो क्या होती है, डाइवर्ज होती है। वो क्या होती है, एक के नीचे दूसरी चली जाती है। उसका नाम क्या है उस बाउंड्री का, आप मुझे कमेंट में बताएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में पूछूंगी मैं आप लोगों से कि उसका नाम क्या है, तो शायद मुझे पूछने का मौका ना दें आप लोग, अच्छे बच्चे हो, मुझे कमेंट कर देंगे आप लोग, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, एक प्लेट यहाँ से मूव कर रही है, दूसरी यहाँ से मूव कर रही है, ये प्लेट ऊपर चल जाएगी इसके, और ये क्या हो जाएगी, नीचे, जो भी ज्यादा वीक होगी वो नीचे आ जाएगी और जो हार्ड होगी वो ऊपर चली जाएगी। और ऐसे जाने के कारण एक टीला टाइप में क्रिएट हो जाता है, क्या क्रिएट हो जाता है, एक टीला बन जाता है। ये देखिए यहाँ पे जो आपको टीला टाइप में दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो क्या होगा, थ्रस्ट प्लेन बनेगा आपका, क्या बनेगा, थ्रस्ट प्लेन। तो आई होप सेकेंड पॉइंट क्लियर है आपका। अब थर्ड पॉइंट में आ जाइए, दीज माउंटेन्स आर टेक्टोनिक इन ओरिजिन। क्लियर है ये पॉइंट, मुझे नहीं बताना पड़ेगा फिर से, क्योंकि जस्ट अभी हम बात करके आए कि ये टेक्टोनिक प्रोसेस के कारण होता है डिसेक्टेड। अब जो माउंटेन्स बन गए, ठीक है, अब किसके कारण काट रहे हैं ये लोग, काट फाट रहे हैं किसके कारण, फास्ट फ्लोइंग रिवर्स के कारण, विच आर इन द यूथफुल स्टेज। अब एक चीज देखिए, जब आप यूथफुल होते हो, यूथफुल स्टेज में होते हो, तो आपके अंदर बड़ा ही जोश होता है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, मतलब स्कूलिंग स्टूडेंट्स जो होते हैं 11th 12th में, उनमें तो वो ज्यादा होता है कि हम इसको मार देंगे, उसको मार देंगे, वो मास्टर के, वो मास्टर के बिंदु आप यहाँ उड़ा रहे, है ना, ये सब चीजें, जोश जो होता है आपके अंदर, वैसे ही रिवर्स के अंदर भी जोश होता है। तो वो क्या करते हैं, फास्ट फ्लोइंग करते हैं, तो उसके साथ डिस्ट्रैक्टेड होता रहता है वो चीजें। तो कब होंगी, जब रिवर कैसी स्टेज में होगी, यूथ स्टेज में होगी। रिवर की तीन स्टेज होती है, यूथ, मैच्योर एंड ओल्ड। तो इस तक आते आते वो खत्म होने जैसी आ जाती है, तो इसलिए इसके तीन स्टेजेस में दिए, तीनों में अलग अलग है, मेंड्रेस क्रिएट करते हैं, फिर आगे जाके वैलीज वगैरह बनने लग जाती हैं, तो ऐसे करके इनकी स्टेजेस अलग अलग हैं। अब देखिए आगे इसके लैंड फॉर्म्स भी बताए हुए कि रिवर से जो लैंड फॉर्म्स बनते हैं कैसे कैसे बनते हैं, गॉर्जेस बनते हैं, वी शेप्ड वैलीज बनती हैं, रैपिड्स बनते हैं, वाटरफॉल्स बनते हैं, ये इंडिकेट क्या करते हैं, उसकी स्टेज को इंडिकेट करते हैं कि किस स्टेज में क्या बनेगा। तो ये जो चीज है ये मैं आपको फंडामेंटल वाली बुक में क्लियर करवाऊंगी, कौन सी बुक में, फंडामेंटल वाली बुक में क्लियर करवाऊंगी, तो आपको यहाँ इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप इतना ही समझिए कि रिवर की जो स्टेजेस होती है उसके अंदर अलग अलग शेप बनती है, किसकी शेप बनती है, लैंड फॉर्म्स क्रिएट होते हैं, किसी में कुछ होता है, किसी में कुछ होता है। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, सब टॉपिक कहेंगे हम, इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। अब इसके अंदर समझिए, ये जो आपको दिखा है ना, ये क्या है हमारा, इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र, और इधर से ये थोड़ा सा, ये हमारा क्या है, इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन, ठीक है, कैसे बना। अब ये देखिए यहां से रिवर्स बह रही है, इंडस रिवर, यहां से गंगा की ट्रिब्यूटरीज वगैरह बह रही हैं, यहां से भी आ रही हैं, ठीक है, और यहां से क्या आ रही है, किसकी किसकी आ रही है, ब्रह्मपुत्रा की, ब्रह्मपुत्रा की। तो ये मिलकर एक प्लेन बना रही है, वो कैसा प्लेन बना रही है, एलुवियल प्लेन बना रही है, ठीक है। ये एलुवियल प्लेन कैसा होता है, अगर हिंदी में बात करें हम तो उपजाऊ, कैसा होता है, उपजाऊ, सही लिखा होगा ना, सही है। तो ये एलुवियल प्लेन बनाती है कौन, ये रिवर बनाएंगी। चलिए अब देखते हैं इसके बारे में, आपको पता चल गया कहाँ कहाँ बना रही है, देखिए इसके अंदर में आने वाले स्टेट्स भी कवर, देखिए राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, दिल्ली तो यूटी हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, और थोड़ा झारखंड का ऊपर भाग आता है,
वेस्ट बंगाल, और इधर थोड़ा सा असम का आ जाता है, मेघालय आ जाता है, त्रिपुरा का आ जाता है। तो ये सब चीजें किसके अंदर आती है? किसके अंदर आती है? इंडो गंगा, ठीक, और इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन के अंदर। अब देखिए इसको समझिए, थर्ड जियोलॉजिकल डिवीजन, तो इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड कौन सी हुई भाई? तो थर्ड आ गया, तो फर्स्ट और सेकंड का जाने का हक है कि नहीं है? जो फर्स्ट डिवीजन है वो है आपका पेनिनसुलर, क्या है? पेनिनसुलर ब्लॉक, क्लियर। सेकंड क्या है? माउंटेन्स। कौन से माउंटेन्स? कौन से माउंटेन्स बताइए मुझे जल्दी से। हिमालयाज एंड हिमालयाज एंड पेनिनसुलर माउंटेन्स जो हैं। अब ये थर्ड आ गया अपना, कौन सा स्टेज? प्लेन का। अब देखिए समझिए, इसमें क्या है, एक रिजिड सरफेस था पहले अपना इंडिया, फिर उसके अंदर माउंटेन्स क्रिएट हुए। कब क्रिएट हुए? जब रिवर्स अपनी यूथफुल स्टेज में थी। और क्या हुआ इसके अंदर? तब तो उसने क्या किया, इन हिमालयस को डिसेक्टेड करना शुरू करा। लेकिन जो एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस थे उसके कारण फोर्स वगैरह क्रिएट हुए, तो माउंटेन्स बने। अब माउंटेन्स के बाद माउंटेन से जो रिवर बह के आ रही है वो अपना एक प्लेन बनाती है, क्योंकि अपन ने देख लिया ऊपर वाला पार्ट सारा किसका था, रिवर का था, तो वो अपना प्लेन बना रही है। अब देखिए, अब समझिए इसको, द थर्ड जियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया कंप्राइजेस द प्लेन्स फॉर्म्ड बाय द रिवर इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। इंडस को हिंदी में सिंधु नदी भी बोलते हैं। इट वॉज ए जियोसिंक्लाइनल डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब समझिएगा क्या है? डिप्रेशन का मतलब बताइए मुझे, गड्ढा। क्या है गड्ढा मतलब इसका? ऐसे लिखते होंगे, जो भी हो समझ गए होंगे आप लोग। सिंक्लाइनल डिप्रेशन कैसे बनाता है आप समझिए। ये हम लेके चलते हैं इसको, ठीक है? यहाँ से हमारा वो क्या है, प्लेन। यहाँ हमारा क्या है, प्लेन। कौन सा प्लेन? अपन ने अभी पढ़ा है इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। अब देखिए यहाँ पे माउंटेन्स हैं। कौन से माउंटेन्स हैं यहाँ पे? हिमालयन। और यहाँ पे कैसे माउंटेन्स हैं? विंध्याचल और राजमहल, और ये माउंटेन्स आ रहे हैं, इसकी पहाड़ियां जो आ रही है। और देखिए दोनों साइड माउंटेन्स हैं, ठीक है? कैसे माने, ये माउंटेन्स बन रहे हैं, दिख रहे हैं सभी को, है ना? माउंटेन्स बन रहे हैं। और देखो इसके दोनों साइड क्या है, सिंक्लाइन डिप्रेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा? मैंने बताया था ऐसे एक माउंटेन है, ठीक है? यहाँ एक माउंटेन बन गया, अब यहाँ एक माउंटेन बन गया। ऐसे ऐसे देखिए, यहाँ एक माउंटेन बन गया, यहाँ एक माउंटेन बन गया। तो ये जो माउंटेन बन रहे हैं, तो ये जो सरफेस है इसकी, ये कैसे बन रही है? ऐसे वाली सरफेस क्या बन रही है? सिंक्लाइन बना रही है। क्या बना रही है? सिंक्लाइन मतलब जो नीचे वाली जगह आ रही है वो सिंक्लाइन है, ऊपर वाली एंटीक्लाइन है। मैंने अभी पीछे आपको बताया था, इधर देखिए ये जो ऐसे माउंटेन्स क्रिएट हो रहे हैं, तो ये जो पार्ट हो रहा है ये क्या है? सिंक्लाइन डिप्रेशन है, गड्ढे हो रहे हैं इसके अंदर, हो रहे हैं। विच अटेंड इट्स मैक्सिमम डेवलपमेंट ड्यूरिंग द थर्ड फेज ऑफ द हिमालयन। अब ये हिमालयन बन रहे थे ना, इसके थर्ड स्टेज हुई कैसे? फर्स्ट तो पेनिनसुलर ब्लॉक हो गया, फिर हिमालयंस के माउंटेन्स बन गए। अब ये जो माउंटेन्स बन गए, तो इसके जो ये डिप्रेशन हुई, इसमें क्या बना है? ये प्लेन बना है। समझिए फिर से एक बार इसको, कि ये जो माउंटेन्स बने हिमालयस के, और यहाँ पे ये क्या है, प्लेन बना हुआ है। तो यहाँ पे ये प्लेन बना, तो इसकी जो सिंक्लाइन है, यहाँ पे डिप्रेशन हुआ, डिप्रेशन होने के कारण नदियां नीचे आ रही है, आ रही, तो यहाँ पे गड्ढे से बन गए हैं, ठीक है? अब आगे समझिए इसने क्या कहा है। माउंटेन फॉर्मेशन अप्रोक्सीमेटली 64 मिलियन ईयर अगो। और ये हिमालयन माउंटेन की फॉर्मेशन जो थी अप्रोक्सीमेटली कितने साल पहले है? 64 मिलियन ईयर अगो। तो ये जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा, कितने ईयर्स अगो? 64 मिलियन ईयर अगो। कौन सी फेज? थर्ड फेज। थर्ड फेज में क्या हुआ? इंडो गंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन बना। Since then, it has been gradually filled by sediments. अब जैसे भाई को गड्ढा होगा, हवा चल रही है यहाँ से, यहाँ पानी आ रहा है, तो जैसे पानी आएगा तो अपने साथ सेडिमेंट्स लाएगा, तो इन सेडिमेंट्स से भर रखा है इसको। हवा आ रही है तो छोटे छोटे कंकड़, मिट्टियाँ, डस्ट वगैरह लेके आ रही, तो ये इसको भरते चलते हैं। अब ये इसको भरते चलते हैं, तो मतलब एक प्लेन बन गया है। यहाँ जो गड्ढा था वो ये फिल हो रहा है, तो वो एक एरिया बन गया, सिंपल प्लेन बन गया।
ये आपको दिखेगा और नहीं शायद, मैं ऊपर कर देती हूँ। देखिए ये जो गड्ढा हुआ था, तो ये सेडिमेंट्स के कारण क्या हो रहा है, फिल हो रहा है। अब जैसे फिल हो रहा है तो ऐसे कंटिन्यूअसली क्या हो जाएगा, पूरा फिल हो जाएगा और एक प्लेन बन जाएगा। तो सेडिमेंट्स ब्रोट बाय द हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर्स। अब देखिए यहाँ भी पहाड़ियाँ हैं, तो यहाँ से भी उतर के रिवर आ रही है यहाँ पे, है ना, इस करके ऐसे पहाड़ियाँ, तो यहाँ से भी रिवर उतर के आ रही है यहाँ पे, और यहाँ पे भी जो हिमालय से वहाँ से भी रिवर आ रही है। तो वो क्या करेंगी, जो ये डिप्रेशंस हुए थे, जो ये डिप्रेशंस हुए थे, उनको क्या करेंगी, सब फिल कर देंगी। किससे, सेडिमेंट से। एवरेज डेप्थ ऑफ एलुवियल डिपॉजिट्स इन दीज प्लेन्स रेंज फ्रॉम, अब इनके जो एलुवियल मतलब ये भरे हैं, तो इनकी डेप्थ कितनी होगी, 1000 से 2000 मीटर। इनकी डेप्थ कितनी होगी, 1000 से 2000 मीटर, मतलब जो ये प्लेन है इसकी डेप्थ कितनी होगी, 1000 से 2000 मीटर। तो आई होप आपने आज टू टॉपिक्स, सब टॉपिक्स किसके, जियोलॉजिकल फीचर्स के, किसके, जो हमने देखा था, हमने क्या शुरू किया था कि बेस्ड ऑन द वेरिएशन ऑफ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन, उसके बेस पे हमने थ्री टाइप्स में इंडिया के डिवीजन को डिवाइड किया था, और वो था पेनिनसुलर ब्लॉक, हिमालयस एंड पेनिनसुलर माउंटेन्स, आपका क्लियर हुआ होगा आई होप, और इंडो गंगा प्लेन भी आपका क्लियर होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, क्या देखते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, ज़्यादा लेंथ ही नहीं करेंगे वरना नींद मारने लगोगे सारे, सब डिवीजन में आप पढ़ेंगे इसको। फिजियोग्राफी, शायद मुझे इसका मतलब बताने की जरूरत ना पड़े, फिर भी बता देती हूँ। जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसके बारे में स्टडी करना ही क्या है, फिजियोग्राफी है। अब देखिए फिजियोग्राफी ऑफ एन एरिया, एक एरिया का फिजियोग्राफी क्या है, इज आउटकम ऑफ स्ट्रक्चर, किससे आउटकम होता है, वो स्ट्रक्चर से। ये तीन नाम याद रखने जरूरी है, फिजियोग्राफी ऑफ एन एरिया, किसी भी एरिया का किससे आउटकम होता है, वो किससे आउटकम होता है, स्ट्रक्चर से, किससे होता है, स्ट्रक्चर से, और प्रोसेस से, किससे, प्रोसेस से, और द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट से। अब इस तीनों चीजों को समझिए, स्ट्रक्चर को समझिए, प्रोसेस को समझिए, और स्टेज ऑफ डेवलपमेंट को समझिए। आपकी एज क्या है, वो आपकी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है, कि आपने इस एज में कितना डेवलपमेंट कर लिया है, आपकी प्रोसेस क्या थी, है ना। ज्यादा डीपली साइंस नहीं पढ़ने की जरूरत है, इतना ही समझ लो काफी है ना, जिस प्रोसेस से आप बने हो। फिर आता है आउटकम ऑफ स्ट्रक्चर, और फिर बनने के बाद स्ट्रक्चर कैसी बनी है आपकी, है ना, वही चीज माउंटेन्स वगैरह है, जो भी जहां भी हम सरफेस को लेते हैं वो उस पर भी डिपेंड करता है, मतलब वो कैसे बनते हैं, बनने की प्रोसेस क्या है उनकी, उनकी एज में उसका किस तरीके से डेवलपमेंट होता है, ये सारी चीजें किसके अंदर आती है, एक फिजियोग्राफी के अंदर आती है। किसी भी एरिया का फिजियोग्राफी किस पे डिपेंड करेगा, आउटकम ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस, द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग फिजियोग्राफी डिवीजन, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बता देती हूँ, नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स, जो ऊपर का पार्ट है और इधर जो माउंटेन्स है वो, ठीक है। फिर आता है द नॉर्दर्न प्लेन, ये जो प्लेन बनेगा अभी जो हमने रिवर्स का प्लेन देखा है वो ये है। फिर आता है इंडियन डेजर्ट, तो ये डेजर्ट का पार्ट आ गया। फिर आता है पेनिनसुलर प्लेट्यू, भूल गए, तो ये जो आता है ये पेनिनसुलर प्लेट्यू आता है। कोस्टल प्लेन्स, ये कोस्टल प्लेन्स आ गए आपके, देखिए इंडिया बन गया ना हमारा लमसम, कोई बात नहीं, देखेंगे। ये हमारे आइलैंड्स बिखरे पड़े हैं यहाँ पे, चलिए क्लियर है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका व्यू दिखा देती हूँ कि इंडिया में कैसे कैसे ये चीजें हैं, ये रहा भाई साहब। तो ये क्या हो गए हमारे, नदन एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स, क्लियर है। ये गंगा का, इंडो का और ब्रह्मपुत्र का मैदान हमने देखा था, प्लेन हमने देखा था, ठीक है, वो किसके अंदर आ जाएगा, नदन प्लेन के अंदर, और ये हमारा डेजर्ट हो गया, क्या हो गया, डेजर्ट हो गया। ये हमारा कोस्टल रीजन हो गया, ये हमारे क्या हो गए, आइलैंड्स हो गए इंडिया के, और ये हमारा क्या हो गया, डेकन प्लेट्यू। क्लियर है यहाँ तक आपको, कोई तरीके की दिक्कत, ये चीज बकायदा मैंने आपको ये भी बतानी है,
इतना भी बताना है मैंने, स्टेट तो आपको मैंने क्लियर कर ही दी है पहले से। तो आई होप आज के वीडियो का लेक्चर जो भी था आपको बड़ा ही इजीली समझ में आया होगा, कि मैंने अपने स्टूडेंट से क्लास में भी बोला था कि भाई अपन जे अपन को मिल जाए क्या विजुअलाइजेशन करने वाली चीजें, तो अपन बड़े इजीली क्लियर करेंगे सारे टॉपिक्स, क्योंकि ना बोर्ड पे ये सब चीजें हो नहीं पाती है ना। कि अब जैसे अपन विजुलाइजेशन कर लिए तो बड़ा इजी रहता है, जल्दी लाइव आने की भी कोशिश करेंगे अपन लोग, है ना। थोड़ा सा सेटअप में और भी इम्प्रूवमेंट लाना है। आपका साथ आपका जोश हमारा जोश, है ना। आप साथ देंगे, आप जोश अपना रखेंगे कि भाई वीडियो शेयर करनी है, सब्सक्राइब कराने चैनल से। और भाई ज्योग्राफी पढ़े कभी, चल मीनू मैम के पास, है ना। तो आप लोग जितना भी करोगे उतना ही हमारा जोश बढ़ेगा। और आज तक के लिए थैंक यू, आगे भी हम आपके साथ की उम्मीद करते हैं। और कीप सपोर्टिंग अस, अगेन हैप्पी धनतेरस। धनतेरस की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। कुबेर जी, गणपति जी, लक्ष्मी जी आपके घर आए, विराजे, विष्णु जी भी आए। विष्णु जी आएंगे तो लक्ष्मी जी ठहरे रहेंगे उनके साथ आपके घर पे। तो हैप्पी धनतेरस, और कल भी बनाएंगे वीडियो, देखते जाओ, है ना। मीनू मैम नहीं रुकते रही, और हो सकेगा तो लाइव आएंगे। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज लाइव आए, है ना, लाइव आएंगे, साथ बने रहना। और हो सकता है दिवाली भी लाइव पे सेलिब्रेट की जाए। तो कीप सपोर्टिंग अस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय गाइज।